सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने जाना कि अकारांत पुल्लिंग में एकवचन के लिए एषः और स शब्द का प्रयोग होता है, द्विवचन के लिए एतौ और तौ शब्द का प्रयोग होता है, और बहुवचन के लिए एते और ते शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा है शब्द का अर्थ होता है यह, एतव का ये दो और एते ये सब। से शब्द का अर्थ होता है वह, तव शब्द का अर्थ होता है वे दो और ते शब्द का अर्थ होता है वे सब। वैसे ही अकारांत पुल्लिंग में एकवचन शब्द रूप के लिए धातु के प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन के लिए धातु रूप के प्रथम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन के लिए धातु रूप के प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तऊ कऊ, तऊ वो दोनों, कऊ कौन है। यहाँ तऊ शब्द स का द्विवचन है और क शब्द का द्विवचन है कौ। तो तऊ कऊ वो दोनों कौन है। चित्र को ध्यान से देखते हुए पता चला कि चित्र में एक किसान और उसके दो बैल काम कर रहे हैं। तो यहाँ बैलों के बारे में बात हो रही है। दो कौन है? बैल। तो बैलों के बारे में बात हो रही है और पूछा गया है कि तऊ कऊ वो दोनों कौन है। तऊ बलिवर्धौ सतः, वो दोनों बैल हैं। वो दो क्या है? बैल। किम, क्या तऊ वो दोनों धावते, दौड़ रहे हैं। किम, क्या तऊ वो दोनों धावते, दौड़ रहे हैं। क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं? न, नहीं तऊ वो दोनों क्षेत्रम, खेत को कर्षतः जोते हुए हैं। नहीं, वो दोनों खेत को जोते हुए हैं। चलिए देखते हैं। एते के ये सब, के क्या, ये सब क्या है, ये सब क्या है। बच्चों, जो एते है वो ऐसे शब्द का बहुवचन है और के क शब्द का बहुवचन है। तो पूछा गया है एते के ये सब क्या है। क्या ये है थैले, थैलों के बारे में बात हो रही है और पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो ये सब क्या है? थैले। एते सयुताः संति, ये सब सयुताः मीन्स होते हैं थैले। संयुत है एक वचन होता है एक थैले के लिए, और संयुता बहुवचन है इसलिए सब थैले, ये सब थैले हैं। किम, क्या एते ये सब हरितवर्णः, किम क्या एते ये सब हरितवर्णः, हरे रंग के। क्या ये सभी हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं एते ये सब नील वर्णः, नीले रंग के संति हैं। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। किसके बारे में बात हो रही है? थैलों के बारे में, और थैलों का रंग कैसा है? नीला। पहले पूछा गया था कि क्या ये सब हरे रंग के हैं, लेकिन आंसर मिला नहीं, ये सब तो नीले रंग के हैं। ते के वे सब कौन हैं, वो सब कौन, ये सब। ते वृद्धा संति, वे सब वृद्धा बूढ़े व्यक्ति संति हैं, वे सब बूढ़े व्यक्ति हैं। किम, क्या ते वे सब गायन्ति, गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, नहीं ते वे सब हसन्ति, हंस रहे हैं। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। इनके बारे में पूछते हुए किसी ने पूछा कि वे सब कौन हैं, वे सब कौन हैं,
उत्तर मिला कि वे सब बूढ़े व्यक्ति हैं। किमते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कल की कक्षा में हम इसके अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे।